Welcome everyone. Today we are going to start with circular arrangement. So aap sab heading de dijiye circular arrangement. Mane ek circle mein arrangement karna hai. Abhi tak hum log linear straight line arrangement ke bare mein baat kar rahe the. But aap hum log aaj kiske bare mein baat karenge? Circular arrangement ke bare mein baat karenge. Person sitting around a circular table may face the center or outwards. या तो उनका फेस सेंटर की तरफ होगा और या तो उनका फेस आउटवर्ड्स होगा. To ascertain the correct positioning of person, the following table is very useful. अगर हम लोग का जो फेस है वो टूवर्ड सेंटर है तो लेफ्ट का मतलब होता है क्लॉकवाइज और राइट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज. आउटवर्ड्स में द पोजीशन चेंजेस. अगर आपके बोलेगा ना आप अपने लेफ्ट में देखो, मतलब हम लोग को क्लॉकवाइज जाना है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं. और अगर ऐसे जा रहे तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. तो चलिए ये डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ये डायग्राम बनाएंगे हम लोग. ये मेरा डायग्राम है, यहां पर ई है, यहां पर ए है. तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग अगर डायरेक्शन बनाएंगे तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट. यस सर. ई के ऑपोजिट में ए है, एच के ऑपोजिट में डी है, ऐसे करके. तो ई के लेफ्ट में कौन है? डी, क्योंकि ई तो इस तरफ सेंटर की तरफ फोकस कर रहा है ना. तो आप जहां बैठे हैं उसके लेफ्ट में कौन है? डी हो गया. और राइट मतलब एफ हो गया. एच E के राइट में तो H हो गया, F हो गया और लेफ्ट में D हो गया. तो इसीलिए बोला गया है ड्रॉ दिस. कि अगर मेरा फेस सेंटर की तरफ है तो लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज. ये वाला डायग्राम बनाया आप लोगों ने, ए बी सी डी ई एफ जी एच. ड्रॉ दिस डायग्राम और हेडिंग देंगे फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर. ड्रॉ दिस डायग्राम और हेडिंग देंगे फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर. ए से लेकर के एच तक बना लिया? यस सर. मैं भी बना लेता हूं. ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है. अगर ऑपोजिट का बात करेंगे ना तो ये ऑपोजिट हुआ, ये ऑपोजिट हुआ, ये ऑपोजिट हुआ और ये ऑपोजिट हुआ. ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग. हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए? ए इज फेसिंग सेंटर, ए का राइट मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. तो ए के राइट में कौन है? बी. यस सर. लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, ए के लेफ्ट में कौन है? एच. तुम लोग ये डायग्राम बनाया है ना? डायग्राम yes, बनाया है तो ये सारा क्वेश्चन आराम से तुमसे हो जाएगा. जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा ना वहां से डायरेक्शन बनाना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट. तो ए यहां है
ए इज फेसिंग नॉर्थ, ई यहां है, ई इज फेसिंग साउथ। तो ये दोनों क्लियर है। यहां पर नेबर हमेशा दो होगा, हमेशा लिख लो सर्कुलर अरेंजमेंट में, हर आइटम का दो नेबर होगा। सर इस पे आप इतना फोकस क्यों किए? इसीलिए मैं फोकस किया हूं, हैड इट बीन लीनियर अरेंजमेंट बी का नेबर कौन है? ए और सी, लेकिन ए का नेबर सिर्फ बी है ना, तो लीनियर अरेंजमेंट में एक्सट्रीम के केस में सिर्फ एक ही नेबर होता है, लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में सबके दो होंगे, एवरीवन हैज टू नेबर्स। फेसिंग मतलब फेसिंग हूम, सिर्फ ए इज फेसिंग होता तो डायरेक्शन का बात कर रहा है। तो क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है? एक राइट लेफ्ट पूछ रहा है, वो तो मैं समझ गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नेबर मैंने समझा दिया, राइट वाला भी लेफ्ट वाला भी। फेसिंग हूम मतलब मेरे सामने कौन है, मेरे सामने वाले खिड़की में कौन है? तो ए के सामने ई है, बी के सामने एफ है, सी के सामने जी है, डी के सामने एच है। फिर सामने सामने आ गया तो ये लोग का पेयरिंग बन जाएगा, हु आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अब फेसिंग नॉर्थ, तो ए इज फेसिंग नॉर्थ, तो ए के सामने वाला विल फेस, सी इज फेसिंग वेस्ट, तो जी विल बी फेसिंग ईस्ट। यहां पर नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट भी आएगा, एंगल वैसा है ना। लिख लो सर्कुलर अरेंजमेंट में नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ये सब फेसिंग भी आएगा। सर हम एच को बोल सकते हैं कि साउथ नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा है। वेरी गुड, एच इज नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, तो डी क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। यस सर। पहले मैं एक तो ये बनाऊंगा, रुक जाओ, डायरेक्शन बनाऊंगा एक तो ऐसा थोड़ा सा ऐसा, ठीक है? तो ये मैं बनाया, ये अगर साउथ है तो ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ वेस्ट। तो टोटल कितना है? एट, आठ है ना, और मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आठ ही है। तो देखो नेक्स्ट एट क्वेश्चन, एक दो तीन चार पांच छह सात, और यहां पर ये आठ। क्वेश्चन नंबर 9 to 17 या 9 to 16, क्लियर है? चलो अब एक सर्कल बनाओ। yes, सर्कल के अंदर में ऐसे डायरेक्शन बनाओ। अब यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे पुट करेगा, और देखो यहां पे सुंदर से ऐसे एरो मार्क करेगा, सुंदर से ऐसे एरो मार्क किया। अब ए के नीचे ब्रैकेट में फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग ऐसे करके सबका लिखो, कौन कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है।
ए में लिखना है फेसिंग नॉर्थ, बी में नॉर्थ वेस्ट, सी में वेस्ट, डी में साउथ वेस्ट, सी का वेस्ट होगा, बी का नॉर्थ वेस्ट, ई का साउथ, जी का ईस्ट, एच का नॉर्थ ईस्ट, एफ का साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। बना लिया पक्का? डन? यस सर। इफ दे मूव अप टू थ्री प्लेसेस क्लॉकवाइज, अब मेरा बात ध्यान से सुनो, हम लोग ऐसे बैठे हैं, ए यहां पर है, बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब बोल रहा है ये लोग सब दो दो चेयर शिफ्ट कर रहा है, बैठा है मतलब चेयर में बैठा है ना, दो दो चेयर शिफ्ट कर रहा है, तो लिखो शिफ्टिंग द पोजीशन बाय वन टू और मोर प्लेसेस, शिफ्टिंग द पोजीशन बाय वन टू और मोर प्लेसेस विल नॉट चेंज नेबर्स एज वेल एज ऑपोजिट पार्टनर्स, नेबर्स चेंज नहीं होंगे, ऑपोजिट पार्टनर्स चेंज नहीं होंगे, क्या क्या चेंज नहीं होगा, नेबर्स चेंज नहीं होगा, ऑपोजिट पार्टनर्स चेंज नहीं होगा, देयर विल बी जस्ट वन चेंज दैट इज द डायरेक्शन, देयर विल बी जस्ट वन चेंज दैट इज द डायरेक्शन, क्लियर है आप लोगों को, यस और नो? यस सर। चलिए बनाइए डायग्राम, हेडिंग होगा फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर ऑब्लिक ऑपोजिट टू सेंटर, फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, दैट इज ऑपोजिट टू सेंटर, पहले डायग्राम बनेगा, पहले नॉर्मल डायग्राम बनाओ, A B C D E F G H, अब यहां पर ऐसे डायरेक्शन का बन जाएगा, अब यहां पर ये फेसिंग साउथ और ये फेसिंग नॉर्थ, क्योंकि फोकस सेंटर की तरफ नहीं है, फोकस अवे फ्रॉम सेंटर है, मतलब मैं जैसे बैठा हूं सेंटर पीछे है तो मेरे लिए राइट क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज,
राइट मतलब क्लॉकवाइज मूव करना है आपको और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इज इट डन? सबका डायरेक्शन लिख लिया आप लोगों ने? राइट बोलेगा तो क्लॉकवाइज जाएंगे, लेफ्ट बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। पार्टनर चेंज नहीं हो रहे यहां पर, चाहे फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर हो चाहे अवे फ्रॉम द सेंटर हो, पार्टनर्स और नेबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख लो ये बात, चाहे फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर हो चाहे अवे फ्रॉम द सेंटर हो, पार्टनर्स में फर्क नहीं पड़ेगा, ऑपोजिट पार्टनर्स और नेबर्स में, चाहे फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर हो चाहे अवे फ्रॉम द सेंटर हो, पार्टनर्स और नेबर्स में फर्क नहीं पड़ेगा। दो चीज में फर्क पड़ेगा, एक डायरेक्शन में और एक राइट लेफ्ट में, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आप आंसर मत देखिए, ए का राइट बोला है, ए का राइट मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे हम लोग, ए का लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये सारा क्वेश्चन पार्टनर्स के बारे में बोला है, आप देख सकते हैं इसका आंसर और प्रीवियस वाले एग्जाम्पल का आंसर सेम है। तीन से लेकर सात नंबर कंपेयर करो इस सम का और प्रीवियस सम का। सेम है ना? तो मैंने तो लिखाया था आपको कि नेबर्स में फर्क नहीं पड़ेगा और पार्टनर्स में फर्क नहीं पड़ेगा, राइट लेफ्ट में फर्क पड़ रहा है और डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा, तो अगर हम लोग स्मार्टली पढ़ेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट को तो दोनों डायग्राम को अच्छे से बना लो, कौन सा राइट होता है कौन सा लेफ्ट होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये देख लो और डायरेक्शन देख लो, दैट्स इट। यही पूछ सकता है सर्कुलर अरेंजमेंट में। चलो ट्राई टू अरेंज, ट्राई टू अरेंज। क्या बोला है? नो टू लेडीज और मेन आर सिटिंग साइड बाय साइड,
मतलब लड़का लड़की, लड़का लड़की बैठा है, इसका मतलब ए बी सी डी साथ में नहीं है। तो देखो पहले तो ये मार्किंग कर लो, मैन वुमेन, मैन वुमेन, मैन वुमेन, मैन वुमेन। अब सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी। सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, तो अगर इसको जी ले लेंगे, इसको ई ले लेंगे, इसको सी ले लेंगे, तो ये डी हो गया, ठीक है। एफ इज बिटवीन डी एंड ए, एफ इज बिटवीन डी एंड ए, एफ इज बिटवीन डी एंड ए एंड इज फेसिंग जी। अब क्या बोला है, एच इज टू द राइट ऑफ बी, देखो ये तीनों तो हो गया, अब बचा क्या है, तो हम लोग मान लेंगे, अरे ये तो बट ऑब्वियस है ना, अब तो समझ में आएगा ना, एक मैन और एक ही वुमेन बचा है, तो बी क्या है, मैन है, एच ये, अगर बी का राइट इज एच, इट इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, अगर राइट में क्लॉकवाइज है तो मतलब फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है क्वेश्चन, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है। लो ऐसे भी बनाया है, बी के राइट में एच है, बी के राइट में एच है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों तरीके से बन सकता है, दोनों तरीके से बन सकता है। नहीं फेसिंग ईच अदर बोला है ना, फेसिंग ईच अदर मतलब कब पॉसिबल है, जब टूवर्ड्स द सेंटर हो तभी, तो अवे में तो लोगों का पीठ दिखेगा, चेहरा कैसे दिखेगा, लिखो कॉपी में लिखो, फेसिंग ईच अदर मींस, फेसिंग ईच अदर मींस, towards the center, तो ऐसा भी अरेंजमेंट बन सकता है। देखो एक चीज तो बट ऑब्वियस है, अगर C is facing D आप यहां ले रहे हो तो ये A होगा, ये B होगा, ये चीज तो बट ऑब्वियस है। क्योंकि यहां तो लड़की बैठेगी ना, लड़का तो बैठ ही नहीं सकता है, नो टू लेडीज एंड नो टू मेन बोला है। क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, चलिए प्रॉब्लम 24 का डायग्राम बनाने का कोशिश करिए। यहां पे साफ साफ बोल दिया है ऑपोजिट टू सेंटर, पहले मार्किंग, पहले सर्कल बनाइए, 8 मार्किंग करिए, ऐसे सर्कल बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मार्किंग करिए, 1 और 5 का पेयर होता है,
टू और सिक्स का है, थ्री और सेवन का है, फोर और एट का पेयर है। तो पहले पूरा क्वेश्चन में खोजिए कोई पेयर है क्या। पहले ये सब लिख लीजिए, राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। पहले ये चीज लिख लीजिए, राइट मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या बोला है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अगर ये सी है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सी एच के थर्ड लेफ्ट में है। तो अगर ये एच हुआ, अगर ये एच हुआ, एक दो तीन, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, राइट मतलब क्लॉकवाइज, ये मेरा जी हो गया। एफ इज द थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, एक दो तीन, ये मेरा एफ हो गया। डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ये मेरा डी हो गया। ई इज द नेबर ऑफ एफ, रुक जाओ, ई इज द नेबर ऑफ एफ, तो एफ का नेबर में फाइव भी खाली है। ठीक है, अब मेरे पास जगह कौन सा बचा, वन और एट। ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी कहां है, ये ई है ना, लेफ्ट मतलब एक दो तीन, तो ये मेरा बी हो गया। तो बचा खाली ए, तो ये ए हो गया। लेट मी सी, देख लो, यही बना है ना, ए सामने ई, जी और सी। अरे हम तो सी को यहां पुट किए ना, उस हिसाब से पेयरिंग तो अलग हो ही सकता है। कुछ गड़बड़ कर रहे क्या हम लोग, अरे बच्चा लोग तुम लोग कुछ बोलेगा, ये उल्टा क्यों बन रहा हम लोग का, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। बच्चा बाटी ये अगर मेरा सर्कल हुआ, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ठीक है, पहला क्या बोला है, सी सिक्स, लेफ्ट का मतलब क्या होता है देख के बताओ, तो लेफ्ट मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज, ऑपोजिट टू सेंटर में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा ऐसे। तो अगर मैं सी को यहां बैठा रहा हूं, तो एक दो तीन, तो एच तो यहीं बैठेगा ना, सी सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ एच, ठीक है, जी सिक्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो ये मेरा जी हो गया। एफ इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, एफ इज
third to the left of C. एक F is third to left of C. Left मतलब anti clockwise. एक दो तीन F is 1 2 3 anti clockwise third left. ठीक है. D is second to the right of F. Right मतलब clockwise. D is second to the right of F. नहीं बैठ रहे हैं. एक सेकंड होल्ड करिए. तुम लोग कोई बनाया है क्या? एनीवन अंजलि पीयूष अनमोल उल्टा ही बन रहा था. इसका मतलब क्लियर करो पहले. सी सीज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच. हम लोग एक गलती कर रहे हैं. हम लोग सी को पहले फिक्स कर रहे हैं ना. पहले हम लोग को एच फिक्स करना. अब क्लियर हो गया. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग का यही गलती हो रहा था. एक दो तीन चार पांच छह जो भी है, पहले एच फिक्स कर लो कहीं पर भी, क्योंकि यहां पर बोल दिया है नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर. यहां क्लियरली बोल दिया है नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. तो पहले एच को फिक्स करना होगा हम लोग को. एच को फिक्स करने के बाद क्या बोला है? थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, यहां आएगा सी. उसके बाद जी टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, यहां जी आ जाएगा. उसके बाद बोल रहा है एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी. एक दो तीन, यहां एफ आएगा. डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ. एक दो, यहां डी आएगा. ई इज द नेबर ऑफ एफ. ई कहां बैठाया हम लोग ने? ई बैठाया कहां हम लोग ने? एफ का नेबर है ना ई, तो एक नेबर तो जी है. ठीक है. और लास्ट पॉइंट क्या बोला है? ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी. तो एक दो तीन, यहां बी बैठेगा. तो यहां पर बच गया ए. अब क्वेश्चन में क्या बोला है? If they move up to three places anti-clockwise, एक दो तीन है ना, तीन place anti-clockwise move कर दो, then A B C D, कौन कहां face करेगा? एक दो problem और करेंगे तो हो जाएगा. सर इसमें B is the south face कर रहा है, but यहाँ पे answer में west face. नहीं बोला है ना not necessary in the same order. Okay sir. In the preceding problem ठीक है, normal है. ठीक है, चलो ये वाला try करो. एकदम आराम से शांति दिमाग से बनाएगा. यहां पे साफ साफ बोल दिया फेसिंग द सेंटर. यहां पे साफ साफ बोला है फेसिंग द सेंटर. पहले ही लिख लो राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज. मार्किंग कर लो. एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, मार्किंग हो गया. बोल दिया नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर.
डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो पहले अगर मैं ए को फिक्स कर दूं कहीं पर भी, तो लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, एक दो तीन, यहां डी बैठेगा. ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये यहां आएगा ई. बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, एक दो तीन, तो ई के बगल में बी बैठ जाएगा. जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो यहां पर जी आ जाएगा. सी इज द नेबर ऑफ बी, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एक दो तीन, तो ये एच बैठेगा यहां पर, लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, ये बच क्या गया एफ, एफ बैठ गया. अब क्वेश्चन बोला है सॉल्व कर लो. मैच कर रहा है सारा आंसर, 25, 26, 27, 28, 29. यस अनमोल. यस सर, हो रहे ये सब हम लोग कर लिए थे क्या? Are we done with number one? आपने ट्राई किया था yes or no? ये सर आपने शायद होमवर्क दिया था ना. चलो अभी सेट टू करेंगे हम लोग. ये सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड है. चलो यहां से, ये सर्कल का क्वेश्चन है, करो. चलो ट्राई करिए. चार लोग, चार लड़कियां फेसिंग द सेंटर. अगर ये बी और सी है तो ये ए और डी हो जाएगा. बी एंड सी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है ना, तो ए और डी होगा फ्रंट में. यस सर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. या विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मेरे को पहला वाला तो राइट लग ही रहा है. देखो
A and D in front of each other. A is between B and C. D is to the left of C. तो फेसिंग में लेफ्ट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? चेक करो. क्लॉकवाइज. लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज होता है क्या? तो ये वाला भी तो राइट हो गया. पर सर ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें बताया नहीं है कि ए ऊपर होगा या नीचे होगा. हाँ, तो हमने लिख दी. डेफिनेटली मतलब यही वाला हो सकता है बस, बाकी नहीं होगा. क्योंकि रिवर्स भी तो हो सकता है, डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता है, ये सी ये बी ये डी ये ए. तो डेफिनेटली में सिर्फ यही आएगा, अगर बी और सी आर फेसिंग ईच अदर तो ए और डी विल फेस ईच अदर. ठीक है, नेक्स्ट. यही था सर्कल का, बाकी सब लीनियर का है. 28 भी सर्कल है क्या? चलो 28 ट्राई करो. फेसिंग द सेंटर है. कितना लोग है पहले वो चेक करो. 6 लड़कियां है ना, तो सर्कल बनाओ पहले. पहले सर्कल बनाओ. सर्कल बन गया. मार्किंग करेंगे अब. 1 2 3 4 5 6. रेवाती इज बिटवीन सुब्बू एंड निशा. तो अगर ये रेवाती है तो ये सुब्बू ये निशा. अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड तो ये जो अरुणा है ये तो यहां होगी. अब पप्पू कहां होगा, कीर्तना कहां होगी, ये देखना है मेरे को. सुब्बू के लिए क्या बोला, लेफ्ट ऑफ पप्पू. तो लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज हुआ ना. Yes, ये पप्पू ये कीर्तना, पप्पू के लेफ्ट में सुब्बू. तो निशा के राइट में कौन है, ये एंटी क्लॉकवाइज. क्या नाम है सर, रवाती ना, क्या नाम है, रेवाती. फेसिंग द सेंटर में लेफ्ट क्लॉकवाइज है और राइट इज एंटी क्लॉकवाइज. हाँ, फेसिंग द सेंटर में लेफ्ट इज क्लॉकवाइज एंड राइट इज एंटी क्लॉकवाइज. चलिए फटाफट, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. 4 से 5 का डायग्राम और 7 से 10 का डायग्राम, बस बाकी क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप. 4 से 5 का डायग्राम चाहिए मेरे को. फेसिंग द सेंटर बोला है, पहले तो हम बिटवीन वाले को पकड़ेंगे. 1 2 3 4 5 6. तो इसको सी देंगे, इसको ए देंगे, इसको बी देंगे.
इसको ई देंगे, इसको एफ देंगे। हाँ डी यहां हो रहा है ना, तो डी के लिए क्या बोला, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, देख लो। बन गया मेरा डायग्राम। पेयरिंग लिख लो किसका किसका हो रहा है, सी और ई का पेयरिंग लिख लो किसका किसका हो रहा है इस क्वेश्चन में। पेयरिंग हो रहा है सी और ई का, मतलब पार्टनर्स, ऑपोजिट पार्टनर्स, ए और डी का, एफ और बी का। चलो 7 से 10 में आओ। ये तो सर्कुलर का नहीं है, ये तो डबल रो अरेंजमेंट है। तो आई होप वी आर डन विथ सिटिंग अरेंजमेंट, यस और नो? यस सर। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका सारा सम्स बनाएंगे, और मैं अभी एक पीडीएफ भेज रहा हूं उसका भी सम बनाएंगे। ये सैटरडे कितना तारीख है, दिस सैटरडे व्हाट इज द 11 11th को ना, 11th को सुबह 10 बजे एलआर का टेस्ट 2 है, टिल सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, मैं अभी भेज रहा हूं पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ, आपको अभी कंप्लीट कर लेना है, और कोशिश करिए 3 साढ़े 3 बजे के अंदर जो भी डाउट हो क्लियर कर लीजिए। इज दैट ओके? टेस्ट यस वन का सर। रिजल्ट मैं कल दे दूंगा, ठीक है ना?